सो हे गाइस, हियर सोफी आदर्श सौरभ भाई। आ चुका हूँ मैं एक और नया रैंडम गेम प्ले वीडियो लेकर, जिसमें भाई मेरे टीम में आ गया था सीजन 10 कॉन्करर वाला बंदा। अब देखो, मैं बोल रहा था कॉन्करर कॉन्करर भाई कैसे मिला, तो ये मेरा मतलब उसका टीममेट बोल रहा था भाई चाटेगा क्या उसकी सीजन कॉन्करर है, तो क्या बहुत बड़ा हो गया क्या ऐसा वैसा। वो देखो मोबाइल पूछ रहे, मैं इसे रियलमी 5 प्रो बताता हूँ भाई। इस पे रियल मी 6 है तो क्या हो गया, इसे पता नहीं। मेरे पास आईपैड है लेकिन फिर भी मैंने रियल मी 5 प्रो बताया, क्योंकि यार देखो मैं नहीं बताना चाहता था यार इसीलिए। और ये जो बंदा दिख रहा है ना गाइस, जो प्लेन पे नामी, यही टीममेट है मेरा, और इसके पास भाई सीजन 4 का कॉन्करर का फ्रेम है। यकीन नहीं होता ना गाइस, आप देख लेना बस। फिलहाल तो यार ये बंदा पता नहीं क्यों सेफ खेल रहे थे, लेकिन मैं भी यार चला जाता हूँ। मैं बोला एंड तक तो किल मिल ही जाएंगे। तो यहाँ पर पहले तो हम प्रीमॉक्स में उतरते और प्रिमोक्स लूटने के बाद सीधा जाते बंदों की तरफ। सो गाइस, मैं यहाँ पर लूट रहा था तो गाड़ी आती है, तो इस बंदे को देखना गाड़ी से कैसे उतारता हूँ। तो बस गाइस, अगर ये वाला स्प्रे पसंद आया तो यार लाइक ज़रूर करना यार। पिछली वीडियोस में भी मैंने देखा है भाई, आप वीडियो देखकर चले जाते हो, लाइक क्यों नहीं करते? इतना वीडियो अच्छा बना तो लाइक करने भूल जाते हो क्या यार? ऐसे तो मत किया करो यार, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। व्यूज़ तो आ जाते लेकिन लाइक नहीं आते, क्यों ऐसा करते हो भाई? गलत करते हो, वीडियो देख रहे हो लाइक करो, और कुछ बंदे तो सब्सक्राइब किए बिना ही वीडियो देखते, ये भी गलत करते हो यार। इसीलिए जो जो नए बंदे यार, लाइक और सब्सक्राइब दोनों मार दो जल्दी से। फिलहाल तो इसका टीममेट ढूंढ रहा था मैं, लेकिन यहाँ पर इसका टीममेट मिलता नहीं है, ऐसे ही लाचार नॉक पड़ा था, तो इसे भी निपटाते और चलते सीधा बंदों की तरफ। सो गाइज, मैं जा रहा था अपने टीममेट के पास जोन में, तो मुझे सामने ड्रॉप दिखता है, लेकिन यहाँ पर ये ओपन में जो बंदा दिखता है ये मुझे देखकर लेट जाता है ओपन में, और इसे देखो कैसे निपटाते। तो इसे लगा लेटने से यार मैं दिखूंगा नहीं, लेकिन तुम्हारा भाई हार्ड है भाई इसे इजीली स्पॉट कर दिया। और इसके और टीममेट मुझे सामने के घरों की तरफ दिखते हैं गाइस, तो उन्हें भी जाकर कैसे निपटाते तो देखना बस। इधर ही रुकना, नीचे पे ठीक है थोड़ा सा। ओ ना भाई, वॉच आउट। ये लोग। सो गाइस, मैं यहाँ पर बग्गी घुमा रहा था और मुझे आ जाते बंदे के फुटस्टेप्स, तो उतरते और इसे निपटाते। और यहाँ पर उतरते ही मेरी हेल्थ इतनी कम कैसे हो गई मुझे समझा नहीं यार। आप ज़रूर कमेंट में बताना क्या हुआ तो मेरे साथ यहाँ पर, लेकिन इस बंदे को इजीली उसी से निपटा देता हूँ। और इसके लास्ट बंदे के फुटस्टेप्स आ रहे थे तो उसे भी मारते जाके सर। लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा हील कर ले रहा था, क्योंकि यार बिना हील किए मैं बहुत बार ऐसे ही मरा हूँ। लेकिन ये बंदा खिड़की से झांकता है और इसे भी हम इजीली निपटा देते। चलो चलो, घर में आओ घर में आओ। लूट करके यहाँ से जल्दी से निकलते ड्रॉप की तरफ, क्योंकि यार मैं ड्रॉप के लिए जा रहा था और यहाँ पर ये बंदे दिख जाते, तो इन्हें भी निपटा दिया। और काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी हमें बंदे नहीं मिले, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर ओपन में घूम रहा था ना गाइस, मुझे लग रहा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत सीन होने वाले, क्योंकि यार जोन भी यहीं पे था। तो मैं सोचा कि यहाँ पर ही बंदे मिलेंगे जो भी आखिर के बचे कुचे, और यहाँ पर देखना क्या सीन होगा। तो यहाँ पर पूरी स्क्वाड भर के गाड़ी आती है। तुम्हारा भाई एक बंदे को तो उतार देता है, लेकिन यार इतना डैमेज देने के बावजूद तुम्हारे भाई को सिर्फ एक ही किल मिलता है। वाह, कस्टम चार डैमेज दिया था पता, मैंने सारे किल तेरे को मिले ना। चार थे मेरे, 3 मिले मेरे को। उसके बाद यहाँ पर गाइस एक और स्क्वाड रश मार देती है मेरे टीममेट पे, और मेरा टीममेट सीजन 4 वाला बंदा यार पता नहीं क्या गलती कर देता है और पूरी स्क्वाड के ऊपर गिर जाता है। और यहाँ पर मेरा क्लच देखना बस आप, वो लास्ट बंदा। अरे इधर आओ, कोई भाई हाथ लगाओ वो। अरे वन नंबर, मेरे को हाथ लगाना, मेरे को हाथ लगाना। इधर बंदा है, एक को रिवाइव दे दिया, दूसरे को आएगा रिवाइव देने। उसका टीममेट बताएगा रिवाइव देने करके। तो यहाँ पर इस कोड के तीसरे बंदे को भी यार मैं इजीली मार देता हूँ, लास्ट एक बंदा बचा होता है।
जो मेरे टीममेट को नॉक कर देता है, लेकिन यहाँ पर मैं अपने टीममेट को पहले रिवाइव करता हूँ क्योंकि यार इसकी हेल्थ काफ़ी जल्दी जा रही थी और पीछे से एक बंदा स्नाइपर से इन पे शॉट ले रहा था। तो यहाँ पर मैं मेरे टीममेट का भी किल कन्फर्म करता हूँ और जैसे मैं यहाँ पर नेड की पिन खींचता हूँ, देखो बस यहाँ पर क्या होता है। तो सो यार इस स्क्वाड के आखिरी बंदे को भी निपटा देते और फाइनली यहाँ पर ये स्क्वाड भी फिनिश होती है और मैं अपने टीममेट को यहाँ पर इजी रिवाइव दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक और बंदा रश करता है जिसे देखो बस कैसे निपटाते। तो यहाँ पर इस बंदे को लग रहा था कि सब बंदे स्क्वाड हाउस पे, लेकिन यार मैं यहाँ पर से इसे इजीली निपटा देता हूँ। और सिर्फ अभी 8 बंदे बचे थे और देखना बस कितने जल्दी यार बंदे निपट रहे थे। पता नहीं आपस में लड़के क्यों निपट रहे थे। तो लेकिन कुछ भी बोलो यार, सीजन 4 वाला कॉन्करर का बंदा तो यार मर गया बेचारा। और उसके बाद यहाँ पर टावर पर कुछ बंदे हमें दिखते, तो देखो इन्हें भी कैसे निपटाते। तो यहाँ पर हमारे 13 किल्स हो जाते हैं और देखते हैं हमें इस मैच में कितने किल्स मिलते हैं। तो लास्ट मैन स्टैंडिंग गाइस, लास्ट मैन स्टैंडिंग, वेरी गुड गाइस। जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल और बेल आइकन, क्योंकि हम आपके लिए डेली अपडेट्स लाते रहते हैं। सो गाइस सीजन 4 कॉन्करर वाले बंदे ने भी बोल दिया कि भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दो, तो यार अभी तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ठोक ही दो। वैसे लास्ट वाले बंदे को भी हम काफ़ी इजीली निपटा देते, लेकिन उससे पहले हमारी थोड़ी बकेती चालू थी यहाँ पर। और लास्ट वाला बंदा हेडशॉट खाकर मर जाता है और यहाँ पर हमारा हो जाता है विनर विनर चिकन डिनर। सो होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर दो और डैमेज देख के जाना तुम्हारे भाई ने कितना दिया। ठीक है।